हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ भरवा करेले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अगर इनको तरीके से बनाया जाए तो ये ज़रा भी कड़वे नहीं बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसमें ये आपको ज़रा भी कड़वे नहीं लगेंगे। इनको बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन खाने में उससे ज़्यादा मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि हम इनको किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम इनको आगे पीछे से काट लेंगे। इसको पिलर की सहायता से इस तरह से इसका छिलका निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे करेले साफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1 किलो करेले लिए हैं। बीच में चीरा लगाएंगे, ये देखिए। और इसके छिलके का भी हम इसमें यूज़ करेंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह से। चीरा लगाने के बाद हम इसमें से इसके अंदर की गूदे को निकाल लेंगे और इसको खाली कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स ये पके हुए हैं तो हम इनको फेंक देंगे, और अगर ये बिना बीज के और कच्चे हैं तो हम इनको भी इसमें यूज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने ग्राइंडर के साथ इस तरह से बारीक बारीक कर लिया है छिलकों को और करेले के बीज के हिस्से को। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल करके और अच्छे से इसको हाथ से मिला करके रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो हम करेलों को धो करके उबालने के लिए रख देंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। गैस को यहाँ पर हम तेज़ रखेंगे और उबाल आने के बाद मीडियम कर देंगे। अगर आप इनके छिलकों को नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे करेलों में उबाल आ चुका है और हमने इनको उबाल आने के बाद 10-12 मिनट के लिए पकाया था ताकि इनका कड़वापन थोड़ा सा निकल जाए। 12 मिनट हो गए हमारे करेलों को बनते हुए। अब हम इनको गैस बंद करके निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने जो नमक लगा कर रखा था, इसका छिलका और बीज का गूदा, इसको हम अच्छे से मसल के धो लेंगे, ये देखिए। और उसको एक छन्नी लेकर के उससे छान लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम इसको निचोड़ लेंगे, ये देखिए। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है पैन के अंदर। हम इसमें ये सारा मटेरियल डाल देंगे जो हमने निचोड़ा था, और इसको चलाएंगे। हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका पानी, जो कड़वा पानी है, वो सारा सूख जाए, ये देखिए। अब यहाँ पर हम 4 मीडियम साइज़ की प्याज ले लेंगे, छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लेंगे, 8-10 लहसुन के जवे ले लेंगे और 4-5 हरी मिर्च ले लेंगे। प्याज को हम बारीक काट लेंगे और लहसुन अदरक और हरी मिर्च को हम ददरा पीस लेंगे। यहाँ पर हम थोड़े से साबुत मसाले ले लेंगे। ये हमने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, 1 टीस्पून जीरा लिया है। इन तीनों चीज़ों को हम मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ पर हमने आधी करछी ऑयल ले लिया है कढ़ाई के अंदर, और इसमें 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल करके चटका लिया है। अब हम इसमें जो 4 प्याज थी हमने बारीक काट ली थी, इनको हम इसमें डाल देंगे और इनको भूनेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसको हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का ही भुनेंगे, ये देखिए। अब हम इसमें जो हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च ली थी, हमने इसको दरदरा पीस लिया था, इसको हम ऐड कर देंगे और इसको चलाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पर हम कुछ सूखे मसाले ले लेंगे। ये 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला है, 1.5 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे ताकि हल्दी की थोड़ा महक ना आए और भुन जाए अच्छे से, देखिए। हम इसको चलाएंगे,
अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। और इसको चलाएंगे अच्छे से। इसको हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे सिम गैस पर। देखिए अब हम इसमें जो छिलके हमने इसके भुने थे उसको ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, 4-5 टेबलस्पून के करीब, और इसको अच्छे से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, और इसको थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। अब यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसकी गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे करेले भी ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको निचोड़ लेंगे। ये देखिए, हम इसको दोनों हथेलियों के बीच में दबा करके निचोड़ लेंगे। ये देखिए, बस इसी तरह से हमें सारे करेले निचोड़ लेने हैं। और इसके अंदर हम जो हमने फिलिंग बनाई है उसको भर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें भरने से पहले आप इसमें नमक एक बार चेक कर सकते हैं कि हमारा नमक ठीक है या नहीं है। ये देखिए, हमने इसको भर दिया है इसमें। इसी तरह से हम सारे करेले भर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से दबा के भरेंगे ताकि करेला खाली ना रहे। बस इसी तरह से हमारे सारे करेले हमने भर लिए हैं। अब हम एक वाइट कलर की रील लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा धागा लपेट देंगे ताकि ये पकाते समय खुले ना और इसका मसाला निकले ना। ये देखिए, हम सारे करेलों पर इस तरह से धागे को लपेट देंगे। अब हम एक पैन में आधी करछी ऑयल लेंगे। ये हमारा सरसों का ऑयल है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर हम ये सारे करेले गरम होने के बाद डाल देंगे। अब इसके ऊपर हमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि छिलके में भी हमने नमक डाल करके उबाला है तो हल्का सा नमक उसमें होता है और अंदर तो मसाला है ही। अब इसी तरह से ढकते हुए और पलटते हुए इसको कम से कम 12-15 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ पर हम गैस को मीडियम स्लो ही रखेंगे ताकि ये जले ना, और हर 2-4 मिनट के बाद इसको पलटते रहेंगे। और बहुत अच्छा ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। इनको पकने में 15 मिनट का टाइम लगा है, काफ़ी हद तक ये पक गए हैं। अब हम इनको फिर से ढक करके और फिर से खोल करके इनको पलटते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे करेले बिल्कुल बन करके तैयार हैं। अब हम इसकी गैस को बंद कर देंगे और इनको आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया और कितने लाजवाब करेले हमारे बने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।